हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बेटा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, जीरो होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, यानी कि बेटा आपके पास देखो, आपके पास दो पॉइंट है। ठीक है बेटा, दो पॉइंट कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक पॉइंट आपको मान लेते हैं पी, जो कि दे रखा 2, -5 एंड दूसरा दे रखा है -2, -9। ठीक है, एक इसके बीचों बीच एक पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं वो उस पॉइंट का नाम ए है, जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख दोगे तो यहाँ लिख देंगे लेट पी एक्स कॉमा जीरो बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ये हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस बोला है, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस बोला है बेटा, यानी कि ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपस में इक्वल होगी। आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा बच्चों, क्या होता है, रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। x1 क्या है बेटा, जब इसमें लगाओगे 2, ये x2 हो जाएगा, y1 है -k5 और ये y2 आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें लगाओगे जब ए क्यू, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा, -, -, +, ये आपका y1 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। इधर भी रूट है उधर भी रूट है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर, -5 - 0 - 5 का स्क्वायर, इधर बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा a - b का होल स्क्वायर और यहाँ से a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल देंगे, सो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, -5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ से a का स्क्वायर b का स्क्वायर +2ab और -9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। सेम चीज़ अगर दोनों तरफ होगा कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, ये तो आपको पता ही है। तो ये इधर भी 2 स्क्वायर इधर भी 2 स्क्वायर कैंसिल, x² x² कैंसिल, क्या बचा 2 - -k 4x +k 25, यहाँ से +k 4x 81। सॉल्व करेंगे तो प्लस का 81 इधर के माइनस का हो जाएगा और माइनस का 4x इधर के प्लस का 4x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 8x, 25 माइनस करोगे 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गए 5, नेगेटिव के 56 और ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया 87 से, तो x की वैल्यू आ गई -k 7। ठीक है, आंसर -k 7 आ गया। सो बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा, -k 7, 0, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट पी क्यू का। ठीक है, जो कि बीचों बीच है इसके। आराम से हो गया ये क्वेश्चन, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।